बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 5 है, दर्स नंबर 5 मुंतखब निसाब नंबर 2 का। हमारे मुंतखब निसाब में सूरह हामीम अल सजदा के दर्स का आगाज़ इन अल्फाज़ मुबारक से होता है। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, यकीनन जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है फिर इस पर जम गए। इस्तक़ामत अमली दरहक़ीक़त इस्तक़ामत क़ल्बी का नतीजा होती है। बिलफ़िल जम जाना उसी वक्त मुमकिन होगा जब दिल ठुक चुका हो। इसी को हज़ूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल आमंतु बिल्लाहि सुम्मा इस्तक़िम, कहो मैं ईमान लाया अल्लाह पर फिर इस पर जम जाओ। अगर ईमान में ज़ौफ़ होगा, इस्तक़ामत बातनी नहीं होगी, तो अब इंशरा कैसे होगा? हो सकता है कि एक आदमी वादा कर बैठा हो, लिहाजा लगा बंदा कुछ साथ चल भी रहा हो और अपनी इज़्ज़त नफ्स के तहफ़ में कुछ ना कुछ भाग दौड़ भी कर रहा हो। कोई कभी कोई बात मान भी लेता हो, लेकिन अंदर की कैफियत वो ना हो जिसमें बशाशत हो, इस्तबशार हो। चुनाचा जिस सनस सूरह हामीम सजदा में अल्फाज आए हैं, वबशिरू बिल जन्नत अल्लती कुंतुम तुआदून, और बशारत हासिल करो उस जन्नत की जिसका तुमसे वादा किया जाता रहा है। इसी तरह यहाँ फरमाया गया फस्तबशिरू बिबाईकुमुल्लज़ी बायअतुम बिह, तुम अपने सौदे पर खुशियाँ मनाओ, तुम्हारे चेहरे तो दमकने चाहिए, तुम्हें इस पर जश्न मनाना चाहिए। तुम तो वो सौदा किया है कि जिससे बड़ा सौदा कोई नहीं, तुमने अपने जिस्म जान की वो कीमत वसूल किया जिससे बड़ी कीमत कोई नहीं, तुमने जन्नत के अवैध सौदा किया है, ये कोई मामूली बात नहीं। तुमने अपनी जान और माल का जो सौदा किया है इसकी जितनी बड़ी कीमत तुम्हें मिली है इस पर तो खुद तुम्हें खुशी मनानी चाहिए। वज़ालिका हुवल फ़ज़्लुल अज़ीम, और जान लो कि यही बहुत बड़ी कामयाबी है। दुनिया को कोई सौदा ऐसा नहीं कि जो इसके मुकाबले में आ सके। दुनिया माफिया इसके मुकाबले में हेज है। यह है वो बै जो अकामत दीन की जद्दोजहद के लिए की गई है। जहाद व क़िताल इकामत दीन की इस जद्दोजहद का जामे उनवान है जिसमें जान जाती है, माल खपता है, यहाँ तक कि जान के जाने का रिस्क लेकर आदमी को मैदान में उतरना पड़ता है। लिहाजा अगर यह सौदा शौरी तौर पर पहले कर लिया गया हो और इस पर दिल ठुक चुका हो तो गाड़ी हमवारी के साथ रवा दवा रहेगी, लेकिन अगर यहाँ इसमें कोई कमी है तो फिर कदम पर रुकावट आएगी। वो रुकावट अंदरूनी और दाखिली होती है जिसका ज़ोर खारिज में भी होकर रहेगा। अल्लाह और बंदे के दरमियान होने वाले इस बेय में अल्लाह दरहकीकत मिश्तरी यानी ख़रीदने वाला है और बंदा मोमिन बाय होने बेचने वाला है। बायत इनके माबेन है, लेकिन आलम वाकई में अल्लाह ताला हमारे सामने मौजूद नहीं। हम ये भी कह सकते हैं कि अल्लाह ताला हमसे गैब में है या ये हमसे गैब में है। लिहाजा बिलफेल ये मामला इसी तरह होता है कि कोई इंसान दुनिया में इसके नुमाइंदे की हैसियत से सौदा करता है। जब तक नबूवत और रिसालत जारी रही वो नुमाइंदा नबी और रसूल होता है। नबूवत और रिसालत का सिलसिला बंद होने के बाद अब यह नुमाइंदा वो शख्स होगा जो नबवी मिनहाज पर दीन की दावत के लिए खड़ा हो और इकामत दीन के लिए कमर कस के मैदान में आए और निदा लगाए मन अंसारी अल्लाह, कौन है मेरा मददगार अल्लाह के रास्ते में। जो लोग इसके पुकार पर लब्बैक कहें, इनके इस दाई के माबेन अब यह माहिदा होगा कि अब बात पुख्ता करने के लिए अलामत के तौर पर मुसाफा भी होगा। इस मुसाफा बैत का जिक्र अब सूरह फतह में हो रहा है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मआहू के माबेन जो नस्बत कायम हुई, इसने जो ज़ाहिरी सूरह इख्तियार की वो बैत की शक्ल है जो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह तआला अजमाइन ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की है। ये बात मैंने बारहा कही है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में, किसी नबी के मामले में इस बैत की चंदा ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि नबी और उम्मती या रसूल और उम्मती की नस्बत इससे अहम तर है। उम्मती हर हाल में मुती है, हमारे यहाँ तो उम्मती का तसव्वुर बिगड़ चुका है, लेकिन क्या सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम में से किसी को इसमें इश्तबा हो सकता था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रसूल मान लेने का मतलब क्या है? यही कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुता मानना। ये तो साबका अंबिया कराम की दावत भी कुरान मजीद में इन अल्फाज में आई है, अनी अबुदुल्लाह वत्तकूहू व आतियून सूरह नूह। ये कि अल्लाह की बंदगी करो, उसका तक़वा अख्तियार करो, मेरी इताअत करो। सूरह शोरा में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम सब की दावत के ज़िम्मे अल्फाज आए, इन्नी लकुम रसूलुन अमीन फत्तकुल्लाह व आतियून, मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूँ, लिहाजा अल्लाह का तक़वा अख्तियार करो और मेरी इताअत करो। इस एतबार से वहाँ तो असल बुनियादी नस्बत ज़्यादा खूबी और मजबूत मौजूद है, लेकिन मैं इस बात पर पूरी तरह इंशरा सदर रखता हूँ कि बैत का मामला हज़रतुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत की रहनुमाई के लिए किया है। आपको बैत लेने की ख़तान ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आपके बाद आइंदा तो नबी और उम्मती का ये नस्बत कभी कायम नहीं होगी, वो तो हमेशा हमेश के लिए ता क़याम क़यामत कायम हो चुकी है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हल कलमा गो के माबेन। लेकिन जब भी कोई अमली जद्दोजहद होगी, कोई इज्तिमाई तशकील पाएगी, कोई तायुन होगी, कौन लोग ऐवान व अंसार हैं और मुअय्यन होगा कि इनकी कितनी क़ुव्वत है, तो इसके लिए कोई ना कोई अलामत और इसका कोई ना कोई निज़ाम होना लाज़िम है।
چنانچہ یہ ہے وہ نسبت بیعت کے جو اب امت کے اندر چلی ہے، امت کی پوری تاریخ میں آپ کو نظر آئے گی کہ جب بھی اجتماعیت و ہیت وجود میں آئی وہاں بیعت کا نظام اختیار کیا گیا۔ اجتماعیت کی بلند ترین اور نمایاں ترین صورت حکومت کا قیام ہے، وہ بھی بیعت کی بنیاد پر قائم ہوتی رہی۔ اس کی خفی ترین صورت سلسلہ ارشاد و اصلاح ہے، اس کے لیے بھی بیعت کا نظام رائج ہے۔ کبھی حکومت کے خلاف بغاوت کی تحریک اٹھی تو وہ بھی بیعت کی بنیاد پر اٹھی، چنانچہ اجتماعیت در حقیقت جس شے کا نام ہے وہ اسلام بیعت ہی کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے۔ اب اگلے لیکچر میں پیج نمبر 177 کے دوسرے پیراگراف یعنی سورہ فتح میں بیعت رضوان کا ذکر سے آغاز کریں گے۔